भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रुख अख्तियार करने के बाद चीन लगातार शांति से मामला सुलझाने और भारत को धैर्य बनाए रखने की सलाह दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन अब सीमा पर और कोई हिंसक झड़प के पक्ष में नहीं है। उधर अमेरिका ने पहली बार 11 न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के विमान वाहक पोत में से 3 को एक साथ प्रशांत महासागर में चीनी सीमा के बेहद नजदीक तैनात कर दिया है। जानकारों का मानना है कि चीन का वर्तमान नरम रुख चारों तरफ से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव की ही देन है। कोरोना संक्रमण के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहे अमेरिका ने इस सीमा विवाद में कई बार खुलकर भारत का पक्ष लिया। अब जानकारी मिल रही है कि करीब 3 साल के बाद ऐसा हुआ है कि 3 अमेरिकी विमान वाहक पोत प्रशांत महासागर में चीन की सीमा के बेहद नजदीक भीतर जाकर गश्त कर रहे हों। अमेरिका के इस कदम को चीन के लिए कड़ी चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इनकी तैनाती भारत की सुरक्षा दृष्टि से भी की गई हो सकती है। बता दें कि दक्षिण चीनी समुद्र में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए अमेरिका ने ये तैनाती की है। बता दें कि 3 एयरक्राफ्ट अमेरिका के मशहूर न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा हैं। इनका नाम USA थियोडोर रूजवेल्ट, USA निमित्ज और USA रोनाल्ड रीगन है। इनमें से USA थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपीन सागर के गुआम के पास इलाके में गश्त कर रहा है, वहीं USA निमित्ज वेस्ट कोस्ट इलाके में और USA रोनाल्ड रीगन जापान के दक्षिण में फिलीपीन सागर में तैनात है। बता दें कि तीनों ही न्यूक्लियर मिसाइल से लैस हैं और चीन इसकी गश्त से काफी दबाव में नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका ने फिलहाल भारत चीन सीमा विवाद से प्रत्यक्ष रूप से बाहर रहने की बात कही है, लेकिन चीन लगातार आरोप लगा रहा है कि अमेरिका के दबाव में ही भारत सीमा पर लगातार आक्रामक बना हुआ है। समुद्र के इस हिस्से को लेकर चीन, वियतनाम, हांगकांग, जापान और अमेरिका काफी वक्त से आमने सामने रहे हैं। अमेरिका पहले भी चीन को साउथ चाइना सी में आक्रामक व्यवहार को लेकर चेतावनी दे चुका है। पिछले रविवार को चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया था। इनमें से 25 आइसलैंड्स और रीफ्स के हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर्स हैं। अप्रैल में चीनी युद्ध पोतों ने वियतनाम की एक मछली पकड़ने वाली नौका को साउथ चाइना सी में डुबा दिया था। इस क्षेत्र में चीन ने कई आर्टिफिशियल आइसलैंड्स का निर्माण कर उसे मिलिट्री स्टेशन के रूप में विकसित किया है। ये इलाका सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए भी काफी अहम माना जाता है।